नमस्कार दोस्तों, न्यूज कुछ खास प्रजापति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ रोहतांग पास का नज़ारा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ ये रोहतांग पास को भारत का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटे का आइकॉन बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो वीडियो हम बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो सुंदर वातावरण है वो देखने योग्य है यहाँ पर। तो दोस्तों रोहतांग पास की बात करें तो यहाँ की जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और यहाँ की जो झरने हैं इसकी खूबसूरती को और भी चांद चांद लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ की जो खूबसूरती है तो दोस्तों इसको भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सुंदर नज़ारा है वो सबसे सुंदर और देखने लायक होता है। तो दोस्तों बात करें यहाँ के झरनों की तो यहाँ पर हर जगह आपको झरने मिलेंगे देखने के लिए, और यहाँ का नज़ारा है वो इतना सुंदर और संगीतमय आनंद आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप मनाली घूमने का प्लान बना रहे हो तो रोहतांग पास ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ की जो सुंदर घाटियाँ और सुंदर नज़ारा है वो आप देखने से नहीं रह पाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे एक बार चले जाओगे तो यहाँ से वापस अपने गांव जाने का मन नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ का सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पर राइडिंग और स्केटिंग का मज़ा लेते हैं। तो देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ की जो बर्फ़ से ढकी हुई ये सुंदर चोटियाँ वाकई यहाँ की खूबसूरती का और भी खूबसूरत बना देता है। तो दोस्तों यहाँ की जो सुंदर चोटियाँ आप बर्फ़ से ढकी हुई देख रहे हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अभी हम और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और हम वहाँ पे शिखर पे जाके आपके लिए अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपके लिए और नए वीडियो बना सकें। तो दोस्तों हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और थोड़ी ऑक्सीजन में दिक्कत आ रही है हमको, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं और यहाँ का नज़ारा आपके साथ हम आगे आपको दिखाएँगे उसी का नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ का जो सुंदर वातावरण है तो यहाँ पर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो हम आगे इसी साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे आपको दिखाएंगे और भी सुंदर नज़ारा बर्फ का। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों हर जगह बर्फ़ से ढकी चोटियाँ आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ का जो मौसम है वो भी बड़ा आनंदमय मौसम यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों काफ़ी सर्दी है लेकिन फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं और ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारे जो ऑक्सीजन की बात करें तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हमें ऑक्सीजन वापस हमें पूर्ति करना है, तो हम थोड़ा वापस नीचे की तरफ आते हैं ताकि हमें थोड़ा ऑक्सीजन मिल सके। वापस हम ऊँचाई पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी जो सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक फूल रही है और हमें सांस लेने में थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी ऊंचे पहुंच चुके हैं और इससे भी ऊंचाई पर हम जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ की जो चोटियाँ देख रहे हो आप, हम काफ़ी ऊंचे हो। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा सर्द हवा चलने लगी है और हम काफ़ी ऊंचाई पर अभी पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों हमें सांस लेने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, फिर भी हम और ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों
तो दोस्तों बहुत कम लोग ही इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। हमारी सांसें थोड़ी फूलने लगी है। तो दोस्तों हम चोटी पर पहुंचने ही वाले हैं। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, वो भी शिखर तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी ऊंचाई पर जा रहे हैं, बादलों के बीच ढकी हुई सुंदर चोटियों के बीच हम पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों पता नहीं कैसा अनुभव होगा जब हम बादलों के बीच पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों हम काफ़ी ऊंचाई पर अभी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम अभी और ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद हम वापस नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि और हमारे पास जो ऑक्सीजन बॉक्स है वो नहीं है, इसीलिए हम और ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि हम जितने ऊपर जाएंगे उतनी हमें तकलीफ़ ज़्यादा होगी। तो दोस्तों हम वापस नीचे की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पर हम जूमिंग करके आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक हमारा वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ थोड़ी देर हम विश्राम कर लेते हैं और इसी के साथ हम वापस नीचे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ का नज़ारा हम दिखा रहे हैं आपको। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों शेयर करना ना भूलें। तो देखते रहे हमारे।